जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेना प्लस न्यूज़, मैं हूं आपकी होस्ट शौकाड़ा से खबरें शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ और DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमराह तरतुज के मुकाम हैद सुलेमानकी का दौरा। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने हैद सुलेमानकी के मुकाम पर कायम फील्ड रिलीफ कैंप का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर चौधरी जफर इकबाल ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन को रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतलक ब्रीफिंग दी। फील्ड रिलीफ कैंप में दीगर अदवियात के साथ साथ सांप के काटे की अदवियात वाफर मकदार में मौजूद हों। हैद सुलेमान की रिलीफ कैंप में खैमा बस्ती में बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए। लाइफ स्टॉक काउंटर में गुल घूटू समेत जानवरों को लगाने वाली तमाम अदवियात वाफर मकदार में दस्तियाब हों। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने कमिश्नर साहिवाल को ममकना सैलाब सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पाक आर्मी रेस्क्यू महकमा रीन्यू समेत तमाम मुतलका अदारे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। लोगों को दरियाए इलाका से निकालने के लिए तमाम वसाइब रोयकार लाए जा रहे हैं। इन्होंने हदायत की कि लोगों के इनखला के लिए रेस्क्यू 112 पाक आर्मी और देगम मुतलका अदारे जाने फशानी से काम करें। ममकना सैलाब सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अदारे हाई अलर्ट रहें। दरियाए सतलुज से मलहका आबादियों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। आने वाले चंद घंटों में पानी की सतह में इजाफा हो सकता है। नंबरदार हजरात लोगों के इनखला के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करें। दरियाई इलाकों में चलने वाले बेड़े रेस्क्यू 112 की अमला की निगरानी में चलाए जाएंगे। कमिश्नर साहिवाल ने इस मौका पर सैलाबी आफत से बचने के लिए अहलियान देहा के हमरा मिलकर दुआ भी की। आप देख रहे हैं 7 प्लस न्यूज HD।